मेरे सुनने वालों को प्यार और सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा सूजी का हलवा किस तरह बनता है। जी, ये बादाम पानी में उबालने के लिए रख दिए। बादाम को उबाला आ चुका है। ये मैं अभी आपको देखो जी बताऊंगा। ये मैंने किलो चीनी ली है जी। मैं इसको ये पतीली के साथ बनाने लगा हूँ। ये देखो जी, ये एक किलो चीनी है जी। मैंने इसको पतीली में शीरा जी, अब मैं शीरा इसके साथ बनाऊंगा जी। शीरा किस तरह बनाना है, ये मैंने जितना किलो चीनी के साथ ना मैंने डब्बे की निशानी लगाई हुई है। ये मैंने इसको डबल करना है। ये देखिए, ये एक डब्बा, अब ये किलो पानी पड़ गया है। अब किलो पानी इसके साथ और हम मलाएंगे जी। ये देखिए, हमने पूरा इसको नापना है ताकि रेसिपी ख़राब ना हो जाएगी। ये मैं खुद बनाता हूँ जी। ये इतनी मैंने, ये दो किलो समझ लें आप, इसमें पानी मैंने, ठीक है जी, ये दो किलो पानी हो गया जी। तो यहाँ पे चूल्हे पर रख लिया जी। अब इसका शीरा पकेगा, इसको अच्छी तरह लाल करना है शीरे को। जिस तरह उबाले हैं, जिस तरह कहते हैं हांडी को उबाला आ गया, जिस तरह उबाला हमें चाहिए उसको अच्छी तरह, फिर इसको उतारेंगे। वो भी बाद में बताऊँगा। मैंने ये इसको रख दिया डबल करके, किलो चीनी दो किलो पानी के साथ। ये मैंने इसको रख दिया यहाँ पे जी, शीरे में मिला के। अब दोबारा प्रोसेस मैं शुरू करूँगा सूजी के साथ, आपको किस तरह मैं जाके करना है। ये मैंने ये पानी फेंक के जी, गर्म पानी मैंने उधर फेंका किचन में, तो मैंने अब ये बादाम की गिरियाँ निकालनी शुरू कर दी। आप देख रहे होंगे, ये इस तरह आपने इसको छीन के ना अच्छी तरह। ये मैंने जो हलवा बनाना है जी, अपनी बेगम से सीखा जी, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे आज से तकरीबन 10 साल पहले मुझे बहुत समझाया था। उसके बाद मेरी बेगम तो हलवा नहीं बनाती, मैं ही इनको बनाता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, वो ये कहते हैं कि मेरे जैसा हलवा कोई नहीं बनाता, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं खुद बहुत बड़ा कारीगर हूँ, लेकिन मुझे शौक है। मुझे ना तो मैं चीज़ें बेचता हूँ जी, ना मेरी दुकानदारी है, मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ। तो जब कभी जी चाहे जी महीने में एक दफ़ा, तो इस वक्त मेरे वर्करों ने मुझे कहा जी मैं कि मुझे हमें हलवा खिलवाएँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ, अपने वर्करों के लिए। दो चम्मच मैंने जो हमारे होते हैं जी, आधा किलो तकरीबन घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है जी। ये अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा हो भी गया। इसमें मैं सूजी में, इसमें मैंने किलो चीनी इसमें रखी है, आधा किलो सूजी है मेरी। ये रेसिपी ये भी है कि आधा किलो चीनी, एक किलो चीनी और आधा किलो इसमें सूजी मैंने इस्तेमाल की है। अब मैं सूजी इसको भूनूंगा जी, आप देखें ज़रा। ये देखिए, मैं आपके सामने जी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे को इसको अच्छी तरह पकाऊंगा जी सूजी। असल में सूजी पकाना ही काम है जी। लोग अक्सर कहते हैं चलो ये छोड़ दो, कोई नहीं अपना काम कर ले। सूजी इसके पीछे पीछे नहीं हटना आपने, या कम से कम 15 मिनट का प्रोसेस है जी ये वाला, आपने करना है। जब तक सूजी लाल नहीं होगी आपने छोड़ना नहीं है। आपका खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और घी भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो समझ लो फिर इसमें मैं बताऊँगा कि शीरा किस तरह आगे जाकर डाल देना। शीरा तैयार हो गया जी, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये मैं सूजी को अच्छी तरह लाल कर दूँ। ये देखें जी, अब शीरे का टाइम आ गया जी। मैंने इसमें ना शीरा ये आपके सामने मैंने हाथ पकाना है, ठीक है। ये बड़ा होता है जी, गर्म होता है जी, ये देखने मिल जाएगा, ये काम बड़ा बड़ा। ये देखें, मैंने इसमें शीरा थोड़ा जी मिक्स कर दिया जी। ये मैंने सारा मैंने, ये देखिए मैंने पतीली खाली कर दी बिल्कुल, जो शीरा था मैंने सारा इसमें मिला दिया। अब मेरी रेसिपी आपके सामने। अब चूल्हे को थोड़ा सा ना आपने ज़रा तेज़ कर देना रहिए, देखिए ज़रा। अब इसके साथ जो मैंने वो बादाम रखे थे जो मैंने छीले थे आपके सामने, मैंने इसमें ये देखे मैंने बादाम दी जी। मैं एक बिजनेस मैन हूँ, लोग मुझे जानते भी होंगे माशाल्लाह। मेरे सुनने वाले को पैगाम है कि घर के काम करने चाहिए, कुछ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम कर रहे, वहाँ पर आ गए, मोटर बाइक ली, गाड़ी ली, वहाँ गए। ये भी काम ज़रूरी है जनाब, इसमें मज़ा भी आता है। और वैसे भी देखो जी, घर के काम तो मेरे नबी पाक ने भी खुद किए हैं। हम कौन हैं, हम तो खाक हैं जी उनकी। इसलिए अपने काम खुद करें, इसमें बड़ा ये चीटें पड़नी शुरू हो गई हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको गाढ़ा करें या पतला करें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया।